हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल की हम बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने टाइप वन में काफी सिंपल और इजी सवाल सोल्व कर लिए थे। इस बार टाइप टू में देखते हैं किस टाइप के साथ सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा आपका क्वेश्चन है 24.68 प्लस 2.136। सपोज के लिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इसको आपको ऐड करना है। तो हमने आपको तरीका बताया हुआ है, यहाँ पर पहले आप इक्वल टू लगा लेंगे, उसके बाद जो है बेटा लिखेंगे 24.68 और ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2136 है ना बेटा, सॉरी 2136 पॉइंट, यहाँ ये गलत तरीका है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि पॉइंट वाले सालों जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो वहां पर हमेशा ही पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगाना है, इससे पहले क्या है टू, तो ये टू यहां पर आएगा क्योंकि ये वन्स प्लेस पर है, इसका वन्स प्लेस है। 136 आएगा तो यहां पर आ जाएगा वन, यहां पर आएगा थ्री, यहां पर सिक्स, तो यहां पर क्या लगाना है अपने पास से जीरो, पता होगा इतना आपको। अब आपको बस केवल क्या करेंगे, ओनली एड करेंगे, ये हो जाएगा सिक्स, एट और थ्री इलेवन, वन कैरी हुआ होगा, एड करना था आपको आता ही होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो ये आ गया आपका आंसर 26.816। तो मैं आप लोगों को नंबर दूसरा देखिएगा, ये है आपका 6 प्लस 6.6 प्लस 0.066, ये है आपका क्वेश्चन नंबर टू। इस बार हम लोग जो है जितने भी टाइप के सवाल होते हैं ऐड में वो कोशिश करेंगे उन्हें कवर करने की। देखिए काफी इजी और सिंपल होता है, पहले आप 6 लिखेंगे, आप यहां पर देखिएगा कि इसके आगे पॉइंट नहीं लग रहा है, तो आपको अपने पास से पॉइंट लगाना है और एक दो जितनी जीरो आपको लगाएं लगा लीजिए। डिपेंड करता है कि यहाँ पर पॉइंट के आगे वन डिजिट है, यहाँ पर वन टू थ्री हाईएस्ट थ्री है, तो इसलिए हमें यहाँ पर थ्री जीरोस लगा लीजिए क्योंकि हमें तीन जीरोस की आवश्यकता पड़ेगी। फिर ये 6.6 है तो पॉइंट के लिए पहले पॉइंट आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर नहीं है तो अपने पास से क्या लगा लेंगे जीरो। पॉइंट के बाद अगर आपका नंबर उसके आगे आप जितनी जीरो चाहे उतनी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये जीरो यहां पर आएगा और फिर है 066। अब आई थिंक इसको ऐड करना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहना चाहिए, पॉइंट आगे पीछे होगा तो आपका सवाल हमेशा गलत हो जाएगा। तो ये 666 और बेटा ये हो जाएगा आपका 12 पॉइंट लगा हुआ है, तो 12.066 ये 6 है आपका। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको हीट पे बराबर में सोल्व करेंगे और दिखाएंगे कैसे आपने इसको सोल्व किया था। अगला देखिएगा, इस बार आपको नंबर थ्री में 70 प्लस 7.70 प्लस 0.777 ऐड करना है। ठीक है बेटा, अब इसको आप देखिए तब किस तरीके से ऐड करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है 70, अपने पास से पॉइंट लगा के कम दो जीरो, फिर यहां पर आएगा 70, पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट, ये भी 70 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां पर है 0 777 777, यहां पर एक जीरो कम पड़ रही है तो एक जीरो अपने पास से आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, यहां पर आ जाएगा 7 7 14, अब वन लगेगा कैरी तो कैरी आएगा इधर, यहां पर आएगा वन, ये हो जाएगा 14, योर आंसर विल बी 141.477। ठीक है बेटा, काफी सिंपल और इजी लग रहे होंगे, पॉइंट वाले क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, बस आपको उनको ऐड करना आना चाहिए। नंबर फोर में है 76.896 प्लस, इस बार हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके लेंगे, यहां पर आ जाएगा आपके पास 100.76 प्लस 70 या 170। ठीक है बेटा, अब हमें इसे ऐड करना है। अब देखिए ऐड करने का जो मेथड है प्रोसीजर वो हमने आपको बता दिया है, पहले क्या करना है आपको ये नंबर से निकालना है 76.896, फिर आपको ये पॉइंट यहां पर लिखना है 100 यानी कि 001, यहाँ पे इधर जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये है आपका 76, यहाँ पर आप एक जीरो लगा लेंगे, आप कितना बेटा 170, तो यहाँ पर पॉइंट तो है नहीं, तो पहले आप पॉइंट लिखेंगे और ये हमेशा पॉइंट से पहले माना जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 170, यहाँ पर अपने पास से 30, अब आप इसे क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, देखिएगा 6 15 5 वन कैरी हो जाएगा, ये 16 वन कैरी धरा के 7 14 3, आंसर आ जाएगा 347.656 इज योर आंसर।
ठीक है, इसी तरीके से आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 5 76.89 + 110.764 या आपको खुद ऐड करना होगा। नंबर 6 है 100+1.010.001+0.1123 इसको भी आप आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आप 100 लिखेंगे जो कि आप लिख सकते हैं, फिर अपने पास से पॉइंट लगा के आप देख लीजिए पॉइंट के साथ जो है यहां पर केवल एक डिजिट है, यहां पर 4 डिजिट्स हैं, यहां भी 4 डिजिट्स हैं, यानी कि हमें कम से कम 4 जीरोस लेना होगा, ठीक है। फिर 0.1 है, अब 0.1 कैसे लिखा जाएगा, पॉइंट के नीचे क्या लगाना है आपको, पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, या आपका 0.1 है तो 0 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, बाकी यहां पर 0, फिर है 0. फिर से आपका 0.0001 है, और ये है बेटा 0.1121123। उम्मीद है इसको आप बड़े ही इजीली तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप नोट कर लीजिएगा, इनको यहीं पे हम सबट्रैक्ट करके भी आपको दिखा देंगे। पहले आप नंबर 7 नोट करिए प्लीज, 7 है सपोज करिए 0.7 + 77 + 7.77 + 0.777, ठीक है। अब आप इसे आराम से ऐड कर सकते हैं। अब नंबर 8 में आपको ऐड करना है 2000 में ऐड करना है 0.1, देखिए क्या आंसर आएगा, ये है आपका 300 + 0.3 + 0.003, इसको भी आप ऐड करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देखो यही होते हैं इसमें ऐड में, ज्यादा कुछ होता नहीं है, मैं आपको बोलने लगूं अब आप इसे बस केवल ऐड करना सीख लें, इसमें आप जो नंबर जोड़ने वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो वॉइस में ऐड करने बात करी, अगर इन्हीं सवालों को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट का मान, ये ध्यान रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम मेथड होता है सोल्व करने का, लेकिन अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो अलग मेथड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में सब कुछ चलता है, तो यहां पर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पहले आप इसको यहां लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, यहां माइनस का मार्क आएगा, ये आपका बदल जाएगा, ठीक है। इस बार आप सब ऐड करेंगे तो यहां पे बचेगा आपके पास 4, यहां पे 5 का भी 4 बचेगा, यहां पर आपका 5. यहां पर 22 वैल्यू आएगी, 22. क्या आएगी बेटा, 22.544। समझ में आया, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, कोशिश करिए समझने की, मैं दोबारा समझा देता हूं। अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि माइनस इतना 66 में तो कैसा नहीं संभव हो पाएगा, इसको आप सपोज करिए चेंज कर लेते हैं 4.6 और फिर प्लस करना है 0.006, इसको आप किस तरीके से ऐड करेंगे यहां पर मैं आपको इसे ऐड करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए पहले आप इन दो को सोल्व करें, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा पहले, तो 6 माइनस का लिए आपको 4.6 यानी कि पॉइंट का एक 0 यहां पर लगाएंगे पहले पॉइंट और फिर आएगा 4.6, ठीक है। पहले आपसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, करिएगा, यहां पर बचेगा आपका 4, यहां पर बचेगा आपका 1, तो कुल मिलाकर कितना बचेगा 1.4 इन दोनों के स्थान पे, तो आप लिख सकते हैं 1.4 प्लस फिर 0.066 आप इसमें ऐड करना है, तो आप यहीं पर इसको ऐड कर सकते हैं, क्या है बेटा 0. तो 0 के नीचे देखो पॉइंट आ गया है, अब 0.66 यहां पर अपने पास से क्या लगा लेंगे 0, वैल्यू आपकी आ जाएगी आपके सामने 1.466, क्या आंसर है बेटा 1.466, ये आपका आंसर आया। इसी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, यहां पर आप सपोज करिए हमने 40 मान लिया, 417 यहां पर हमने इसे माइनस माना है, इसे भी माइनस माना है, सबसे पहले आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, जो वैल्यू आएगी फिर इसे सब्ट्रैक्ट करो, क्या कह रहे हो सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। चलिए भैया अगर आपको डाउट उठने जा रहा है तो बिल्कुल पूछिएगा, आपने कहा था 70 में से पहले घटाना है 40.70, तो पॉइंट के आगे यहां पे 2 डिजिट्स हैं, तो आपको यहां भी क्या करना होगा बेटा, पहले 2 जीरो लगानी होगी, फिर आपको पॉइंट के नीचे 0.40 आएगा यहां, 70 आएगा यहां, पहले आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। ये संभव नहीं है कि आप इन दोनों को साथ में सब्ट्रैक्ट कर दें, नहीं तो फिर आपको इनको दोनों को ऐड करना होगा, वो अभी खराब नहीं पढ़ाया था, तो आप देखिएगा इसको डायरेक्ट हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर उसको बाद में करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 0 ही आ जाएगा,
यहां पर 3 कैरी लिया होगा ना बेटा, तो यहां पर 9, यहां पे 4 3 बचेगा, यानी कि 2 बचेगा, तो कुल मिला के 29.30 आएगा इसके स्थान पर। कितना बेटा? 29.30 इन दोनों को सॉल्व करने का माइनस है 0.777। चलिए अब हम इसको भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए 0 पॉइंट, देखिए पॉइंट यहां पर आएगा 0 यहां और 777 यहां पर आप 0 अपने पास से लगा लेंगे, ये 3 बचेगा, सबट्रैक्ट करना आना चाहिए, ठीक है बेटा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं। ये आपका 2 बच जाएगा, यहां पर है आपका 2 तो 5, यहां पर 8, यहां पर 2, वैल्यू होगी 28.523। मुझे उम्मीद है अब आपको जो है ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आ चुका होगा। ये थे डेसिमल्स के क्वेश्चन आप लोगों के, यहां पर आपको इसे माइनस कर देना है, ये हम जो है 78.96 इसे मतलब 96 लिखेंगे और फिर बाद में आप इसे 170 इसमें ऐड कर देना, आंसर यहां एक वर्ड रहेगा। यहां पर आप इसे ही डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बस यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा 3 या 2 या 1, ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर आप इसमें से पहले इसे सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसे चलो ऐसा करो ऐड कर लेना और इसे यहां से सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, देखना क्या वैल्यूज आएंगी। ये सिंपल हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बिल्कुल यहीं पे माइनस कर देना। और मैं ऐसा करता हूं इस वाले पॉइंट को 6-7 पॉइंट यहां लगा देता हूं और इस वाले पॉइंट को यहां लगा देता हूं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने की बिल्कुल कोशिश करें। इसको आप सेम से तरीके सॉल्व करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें आप इसे 77 मान लीजिए, माइनस 0.7 लगा लीजिएगा, ये 0.7 है, चलो ठीक है, इसे भी आप माइनस करना, फिर उसमें उसे आप ऐड कर देना, ठीक है। तो पहले आपको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है जो वैल्यू आएगी, फिर ये सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो वैल्यू आएगी उसे इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को डेसिमल के जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो आपके फ्रिज बनाई थी टाइप वन टाइप टू की, वो आपको समझ आ गई होगी। अगले टाइप में हम लोग इनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।